हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना वल्ले सिद्धांत का 10th लेक्चर, जिसमें हमारा आइडियल वाला चैप्टर चल रहा है। रिंग थ्योरी की हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड यूनिट में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। एक्सरसाइज से पहले 7-8 थ्योरमें थी, 8 थ्योरम्स पढ़े हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी है, जो सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना नहीं है, उसमें एग्जाम्पल्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हमने किया था, 3 पार्ट स्टूडेंट्स इसके। इसने इधर दे रखा है हमें Z3 दे रखा है। Z3 हमने देखा था कि इसने बोला कि वल्ले की सभी गुणजावलियाँ लिखिए, तो Z3 के हमारे पास कितने आइडियल बनते थे स्टूडेंट्स? 2 आइडियल। Z3 स्वयं बन गया और ये 0 एलिमेंट द्वारा बनने वाली एक गुणजावली बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वाला है बी पार्ट है, इधर है स्टूडेंट्स Z4। Z4 में जो एलिमेंट स्टूडेंट्स वो 0, 1, 2, 3 ये आते हैं, एडिशन 4 और मल्टीप्लिकेशन 4। ये हमारा रिंग है और प्रत्येक रिंग के कम से कम 2 गुणजावलियाँ अवश्य होती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लिख देंगे, इसका फर्स्ट आइडियल हो जाएगा हमारे पास ए बराबर पहला बनेगा Z4, बी बराबर दूसरा बनेगा 0 एलिमेंट। स्टूडेंट्स एक बात आपको याद रखनी है कि जो आइडियल बनेंगे ना आगे कि वल्ले दे रखा है उसके जो आइडियल बनेंगे वो सम संख्या के अंदर ही बनेंगे, विषम वाले बनेंगे नहीं। तो इसका मतलब आगे हम सी एक सेट बना रहे हैं, एक सेट बनाया 0, 1, 2 लेंगे तब नहीं बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ से, क्योंकि एक रिंग का वेव लेना पड़ेगा, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 आएगा, 6 डिवाइड करेंगे 2 आगे, कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी जहाँ पे एलिमेंट है वो आएगा नहीं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सेट जैसे हमने बनाया यहाँ से 0, 2, ये 2 ही एलिमेंट लिए, 0, 2 ले लिए स्टूडेंट्स। 0, 2 इसमें भी थे 0, 2, परंतु यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे एडिशन 3 है, मल्टीप्लिकेशन 3 है, तब नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे हम 0, 2 लें, 0, 2 इधर लिया हमने, 2 माइनस 0 करेंगे तब 2 आएगा, 0 माइनस 0 करेंगे तब 0 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तब 0, मतलब एडिशन वाली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाती है। 2 आइडियल के एलिमेंट है, दोनों का माइनस भी आइडियल से। सेकंड कंडीशन है कि एक तो आइडियल का एलिमेंट होगा और एक रिंग का एलिमेंट होगा। एक किसका होगा फ्रेंड्स? एक आइडियल का वेव और एक रिंग का वेव। तो आइडियल का एलिमेंट जैसे हम ले रहे हैं यहाँ से, इसको आइडियल प्रूव करना है। जैसे हमने लिया 0 को प्रत्येक संख्या से गुणा करो 0 आएगा, और 0 इसमें है। अब 2 को लेते हैं, जैसे 2 को हमने गुणा किया 0 से, 2 गुणा 0 आया बराबर हमारे पास 0, 0 है इसमें। अब 2 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास 2 है, 2 भी है इसमें। अब स्टूडेंट्स एडिशन है इधर, अब 2 गुणा कितना करेंगे स्टूडेंट? 2 गुणा 2 करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, एडिशन 3 है, 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लिकेशन 3 है, 2 इंटू 2 4 आया, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे सेसफल बचेगा 1, इसका मान आया 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू इस सेट से, तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं बना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, हम इधर देखेंगे, यहाँ पे तो बनता नहीं है क्योंकि एडिशन 3 और मल्टीप्लिकेशन 3 है। यो अगर आइडियल बनानी है तब हमारे पास क्या होना चाहिए? तब हमारे पास इधर भी सम होना चाहिए और सम वाला ही सेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से 0, 2 है, 2 तो आइडियल बन गए इसके Z4 और 0, इधर 0, 2 है, 0, 2 है। फर्स्ट कंडीशन इधर देखते हैं, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू ये सेट मान लेंगे आई, 0 बिलोंग्स टू आई एंड 2 बिलोंग्स टू आई, तो 2 माइनस 0 बिलोंग्स टू कहाँ से होगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस 0 बराबर आ गया 2 बिलोंग्स टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, थॉट रखना है, बड़े में से छोटा घटाना है। अब 0 माइनस 0 करेंगे, एलिमेंट रिपीट कर सकते हैं, 0 आएगा, 0 बिलोंग कर रहा है इसे, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आएगा, बिलोंग्स टू आई, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो सेट बनाने के बाद ये कंडीशंस आप शो करके दिखा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कंडीशन, हम लिखेंगे इसकी सेकंड में, ये सेट हमारे पास आई बराबर 0 और 2, तो एक एलिमेंट तो लेते हैं अपन आई का, और बाकी जो एलिमेंट है वो रिंग के लेंगे। तो रिंग का पहला एलिमेंट उठाएं यहाँ से 0, 0 को पहला एक एलिमेंट लिया इसका और एक एलिमेंट लिया इसका, तो स्टूडेंट ये एलिमेंट इस सभी के साथ गुणा कर लेंगे तो 0 आएगा, तो 0 बिलोंग्स टू आई एंड 1 बिलोंग्स टू आई,
जो भी हमारा जड़ फोर है, तो जीरो मल्टीप्लिकेशन फोर वन इक्वल टू आएगा जीरो, और जीरो कहाँ से, आई से, तो सभी के लिए हो जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई। अब लेते हैं स्टूडेंट्स इसका टू, टू बिलोंग्स टू आई लिया, टू बिलोंग्स टू आई, टू इंटू जीरो करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, टू इंटू जीरो करेंगे जीरो आएगा, जीरो उसमें है, टू इंटू वन करेंगे टू आएगा, टू भी इसमें है। अब टू इंटू टू करेंगे, टू इंटू टू किया स्टूडेंट, टू इंटू टू बिलोंग्स टू कहाँ से है, जड फोर से, तो टू मल्टीप्लीकेशन फोर टू किया, टू इंटू टू फोर, फोर को फोर से डिवाइड करेंगे, जीरो बिलोंग्स टू आई, तो ये कंडीशन है टू के लिए सेटिस्फाई। अब टू इंटू थ्री करेंगे क्योंकि एक आइडियल का है, अब क्या करेंगे, टू बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स आई और थ्री बिलोंग्स टू जड फोर, तो टू इंटू टू मल्टीप्लीकेशन फोर है थ्री करेंगे, टू इंटू थ्री होता है सिक्स, सिक्स को फोर से डिवाइड करेंगे मान आएगा कितना टू, तो इसका मान आ गया हमारे पास टू, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता अपने प्रत्येक अवयव के लिए, अतः अतः सी क्या बन गया यहाँ पे, अतः जीरो टू इसका एक और आइडियल, ये तो इम्प्रॉपर आइडियल, एक प्रॉपर आइडियल भी बन गया इसका, इनके अलावा और आइडियल इसके बनेंगे नहीं, आप देख लेना ट्राई करके। तो आपको याद रखना है कि अगर सम सम हो एडिशन, सम हो मल्टीप्लिकेशन, सम संख्या के रूप में हो तब उनके आइडियल बनेंगे सम वाले ही, ठीक है स्टूडेंट्स। जड फोर है तो जीरो टू बन गया। अब आगे एक थर्ड दे रखा है जड फाइव, ये आपको करके देखना है, जड फाइव है इसके दो आइडियल तो होंगे, पहला बन जाएगा जड फाइव खुद और दूसरा बन जाएगा जीरो एलिमेंट वाला। अब जड फाइव में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट जीरो वन टू थ्री फोर, एडिशन फाइव और मल्टीप्लिकेशन फाइव, इसका कोई आइडियल बनेगा नहीं। अगर जीरो टू फोर लेना चाहो ये एक सेट बनता है, जीरो टू तो बनेगा ही नहीं, जीरो टू फोर लेना चाहो तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से फोर को फोर, एक इसका आइडियल हो गया सीधी सेकंड, फर्स्ट कंडीशन तो हो जाएगी सेटिस्फाई, सेकंड नहीं होगी, क्या नहीं होगी स्टूडेंट्स, देखो एक हमने ले लिया आइडियल, जिस ये आइडियल है इसको आइडियल एक ले लिया, इसका अवयव फोर बिलोंग्स टू आई, एक इसका ले लेते हैं फोर बिलोंग्स टू जेड फाइव, दोनों का गुणा फोर मल्टीप्लीकेशन फाइव है फोर, फोर इंटू फोर होता है सिक्सटीन, सिक्सटीन को फाइव से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन, वन बचेगा और वन ने नॉट बिलोंग्स टू आई, तो आइडियल की कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे, तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट आइडियल, दिस इज़ नॉट आइडियल। और आइडियल कहाँ पे बनेगा, आइडियल वहीं पे बनेगा जहाँ पे सम संख्या के रूप में हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, तो यहाँ पे जड फाइव है, जड फाइव का मतलब इसकी और आइडियल बनेगी नहीं, क्या है स्टूडेंट्स ये, इसका मतलब विषम संख्या वाले जो है उनके आइडियल सिर्फ क्या होते हैं, उनके सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं, प्रॉपर आइडियल उनके बनते ही नहीं है, प्रॉपर आइडियल वहीं पे बनेंगे जहां पर हमारे पास क्या हो, सम संख्या के रूप में एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, याद रखनी है डेफिनेशंस आनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले, तो अगर डेफिनेशंस आती है तो आपकी आपको ये आइडियल समझ में आ रहा है, अगर डेफिनेशंस नहीं आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बोला है बार बार बोला है कि प्रत्येक रिंग की कम से कम दो गुणजावलियाँ अवश्य होती है, स्वयं वो रिंग होता है और जीरो एलिमेंट, ये इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं, इनके अलावा जो बनते हैं वो होते हैं प्रॉपर आइडियल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बात पता चली, यही बात पता चली है कि जो हमारे पास एडिशन मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल सम संख्या के रूप में होंगे उनके तो क्या बनेंगे, उनके तो प्रॉपर आइडियल बनेंगे, परंतु जहाँ पे विषम संख्या के रूप में होंगे वहाँ पे इनके प्रॉपर आइडियल नहीं बनते, केवल इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करना आपको दो नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है गाउसीय पूर्णांकों के वल्य की गुणजावली है, क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा स्टूडेंट्स, इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 2m प्लस 2n आइटा, समुच्चय i नाम दे दिया मैंने इसको i 2m प्लस 2n आइटा, m n ने कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जड से, 2m प्लस 2n आइटा m n बिलोंग कर रहे हैं, इज एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ गाउसियन इंटीजर, इसने बोला है कि ये जो सेट है, इसने कहा है कि ये एक समुच्चय है, ये
गौशीय पूर्णांकों के वल्ले की एक गुणजावली है। तो गौशीय पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट्स आई गौशीय पूर्णांकों के समुच्चय की एक गुणजावली है। सिद्ध करना स्टूडेंट्स ये गुणजावली है, ठीक है स्टूडेंट्स। समुच्चय की क्या स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है गौशीय पूर्णांकों के वल्य की क्या स्टूडेंट्स ये एक आइडियल है। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें गौशीय पूर्णांकों का सेट पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में क्योंकि समुच्चय हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते सिर्फ मैं जानती हूँ, हम जानते हैं कि क्या स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि गौशीय पूर्णांकों का समुच्चय निम्न होता है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं गौशीय पूर्णांकों का समुच्चय निम्न होता है कौन सा स्टूडेंट्स, जे बराबर होता है ए प्लस आइटा बी के रूप के एलिमेंट, ए बी बिलोंग करते हैं जेड से, ये होता है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, गौशीय पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमने सेट मान लिया, ये क्या है वल्ले है, ये एक जे हम जानते गौशीय पूर्णांकों का समुच्चय निम्न होता है, जो क्या स्टूडेंट, जो वल्ले ये रिंग है तब सिद्ध करना है देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, आई बराबर हमने माना है 2m + 2n आइटा, ये स्टूडेंट्स आई, देन प्रूव दैट आई बराबर 2m + 2n आइटा, जहाँ पे mn बिलोंग्स टू आई, mn कहाँ से बिलोंग कर रहा है जड़ से, पूर्णांक है जड़ से, देन प्रूव दैट आई, ये वाला स्टूडेंट्स आई इज n आइडियल ऑफ जे, जे का क्या स्टूडेंट्स ये एक आइडियल प्रूव करना है। तो आइडियल की दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन इधर शो करनी है, तो क्या मान लेंगे, सबसे पहले मानना दो एलिमेंट ले लेंगे, मानना x बराबर हमने मान लिया 2m1 या यहाँ पे लिख लिया xy belongs to j, i आइडियल के एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले, जहाँ पे x बराबर हमारे पास है 2m1 + 2n1 आइटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और m1 और n1 कहाँ से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, ये जड से बिलोंग करते हैं, 2m1 + 2n1 आइटा, और m1 और n1 जड से बिलोंग करते हैं, तभी तो है स्टूडेंट्स ये इसके एलिमेंट। i में जो है वो इस रूप के अवयव है, जहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है दोनों में, m और n है वो जड से बिलोंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी रूप के एलिमेंट मानने हैं, तो x बराबर ये वाला मान लिया, तथा y बराबर क्या मान लिया स्टूडेंट्स, y बराबर मान लिया 2m2 + 2n2 आइटा, और m2 और n2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, z से, दो अवयव किसके i के, तो दोनों का माइनस भी, तो दिस इंप्लाइज x माइनस y, देखेंगे क्या आएगा, x का मान लिया पूरा 2m1 + 2n1 आइटा, माइनस का साइन 2m2 + 2n2 आइटा, ठीक है। m1 ये वाली टर्म एक जगह लिख लेंगे, तो यहाँ से 2m1 - m2 लिख लिया स्टूडेंट, आइटा वाली टर्म एक जगह लिख लेंगे, ये नेगेटिव हो गया, अब ये आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे बाहर आया हमारे पास प्लस का 2 आया, n1 - n2 और बाहर दोनों में आइटा, तो ये वाला एलिमेंट आ गया स्टूडेंट्स, इधर लिखेंगे क्योंकि m1 m2 n1 n2 कहाँ से, जड़ से, ये सारे पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाले हैं, तो 2 - 4 - 2 - 3 - 6 - 3 सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, इधर से, तो बिलोंग टू जड़, तो दिस एम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, m1 - m2 आल्सो बिलोंग्स टू जड, और n1 - n2 है
वो भी कहाँ से, जड़ से, क्योंकि पूर्णांक है। जैसे m का मान 3 है, इसका मान 4 है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 है, माइनस 1 भी जड़ में होता है, तो जड़ से बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट और ये वाला जड़ का, ये वाला जड़ का, तो इस रूप के जो एलिमेंट होते हैं वो किस में है, आई में। टू कॉन्स्टेंट इधर भी कॉन्स्टेंट, एम इधर एन, तो इसका मतलब है कि एम और एन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, वो जड़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये पूरा अवयव कहाँ से बिलोंग कर गया, ये आई से। तो दिस इम्प्लाइज ये टोटल कहाँ से बिलोंग कर गया, आई से। तो यहाँ से लिखें दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई, अतः क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू आई तथा वाई बिलोंग्स टू आई। तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से स्टूडेंट, आई से। ये होगी हमारे पास फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन शो हो गई। सेकंड कंडीशन शो करनी है स्टूडेंट्स, एक तो लेते हैं हम किसका अवयव, एक लेते हैं हम आइडियल का अवयव और एक लेते हैं हम जिसको आइडियल प्रूव करना उसका एलिमेंट लेते हैं, और एक लेते हैं हम रिंग का अवयव। तो रिंग का अवयव है वो इस रूप का है, आइडियल का अवयव है वो इस रूप का है। तो एक तो ले लेंगे आइडियल का अवयव, आइडियल का अवयव लेंगे, पुण्य मान लेंगे, पुण्य मानना, एक ले लिया ये वाला, एक्स बराबर टू एम वन प्लस टू एन वन आइटा, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जिसको आइडियल प्रूव करना है आई से, आई मानना है, आई का एलिमेंट ले लिया आइडियल का जिसको आइडियल प्रूव करना है। एंड सेकंड एलिमेंट एक मान लिया हमने, अल्फा बराबर ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी किसका अवयव है स्टूडेंट्स, ये रिंग का, गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय, ये वाला मान लिया। तो एक्स आर देखेंगे, आर एक्स देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं दे रखा। गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, कर्म विनिमय होता है। ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कर्म विनिमयता गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर ये ना लिखे, हमें पहले एक्स आर देखना पड़ेगा, फिर हमें आर एक्स भी देखना पड़ेगा। तो पहले हमें आर एक्स देख लेते हैं, आर एक्स ने अल्फा एक्स, अल्फा का मान है ए प्लस आइटा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास है 2m1 प्लस 2n1, ये वाला है, दोनों का गुणा करना है स्टूडेंट। तो यहाँ से आ जाएगा 2m1, तो ये आ जाएगा 2a m1 प्लस 2n1a आ गया स्टूडेंट्स, ये वाला 2m1 प्लस 2n1a प्लस आगे आइटा वाला आ जाएगा, प्लस का आइटा का साइन है पहले में स्टूडेंट, इधर भी आइटा है 2 आइटा, तो इधर आएगा आइटा, 2m1 प्लस 2n1 आइटा है। तो ये पहला एलिमेंट आ गया मल्टीप्लीकेशन, अब करेंगे आइटा का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 2m1b आइटा, माइनस का साइन, आइटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो ये आएगा माइनस 2n1b आएगा स्टूडेंट्स। ये तो आयटा वाले टर्म एक जगह रख लेंगे, इन दोनों को एक जगह रख लेंगे, तो यहाँ जो 2 बार ले लिया m1a माइनस n1b लिख लिया स्टूडेंट्स, प्लस इधर भी 2 कॉमन है, इधर लिख लिया n1a प्लस m1b और बार है आयटा। तो स्टूडेंट्स ये भी किसका, जड़ का, ये भी जड़ का, ये भी जड़ का, ये भी जड़ का, और इनका बीजगणित भी किसका होगा, सारे पूर्णांक है, पूर्णांकों का बीजगणित क्या होता है स्टूडेंट, पूर्णांक ही होता है। तो ये टोटल एलिमेंट जो है यहाँ पे लिखेंगे 2 into, इसको पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया P, इसको नाम दे दिया P, प्लस इसको नाम दे दिया Q, तो 2Q आयटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2P प्लस 2Q आयटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे P और Q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जड़ से। तो कुछ इसी रूप के एलिमेंट है हमारे पास आई में कि 2m प्लस 2n आयटा, m और n जड़ के, तो इसी रूप का आ गया 2p प्लस 2q आयटा, और p और q किसके एलिमेंट है, जड़ के। तो ये पूरा किसका हो गया स्टूडेंट, ये पूरा हो गया i का। तो दिस इम्प्लाइज एक एलिमेंट तो हमने लिया था x बिलोंग्स टू i एंड r बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू j, तो हमने लिया r x बिलोंग्स टू क्या आ गया स्टूडेंट, i। इसी प्रकार सेकंड आपको करना है, इसी प्रकार x अल्फा आल्सो बिलोंग्स टू i, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसकी स्टूडेंट्स, आइडियल की। अतः यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया समुच्चय जो है वो गाउसीय पूर्णांकों के समुच्चय, गाउसीय पूर्णांकों के वल्य की एक गुणजावली है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, करके देखना, आपको कर लेना आप ये। आगे तीन नंबर हो गया स्टूडेंट्स, चार नंबर है। चार नंबर में क्या करना है स्टूडेंट्स, चार नंबर में सिद्ध करना है कि एक सेट दिया गया है वो क्या है। चार नंबर में आपको बाद में करवाऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, समझाना पड़ेगा। पाँच नंबर और छः नंबर बताते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय पाँच नंबर में, स्टूडेंट्स लिख ही रही हूँ मैं इधर, पाँच नंबर में, पाँच नंबर में हमारे पास है, सिद्ध करना है पाँच नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस बराबर, सेट दे रखा है स्टूडेंट्स, पाँच नंबर में सेट दे रखा है जीरो ए और जीरो बी, ये वाला सेट दे रखा है। ए बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट, ए बी बिलोंग्स टू है हमारे पास जड, ये सेट दे रखा है, इसको आई मान लिया। कि समुच्चय जो है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय पूर्णांकों पर 2×2 कोटि के मैट्रिसेस की सभी मैट्रिसेस की वल्य की एक वाम गुण जावल्य परंतु दक्षिण नहीं है। तो रिंग जो मान, ये तो हमने सेट मान लिया, इसको हमें क्या प्रूव करना है, लेफ्ट आइडियल प्रूव करना है स्टूडेंट, लेफ्ट आइडियल, बट नॉट राइट आइडियल, डज नॉट एग्जिस्ट ए राइट आइडियल, ओनली लेफ्ट आइडियल विद्यमान है, दक्षिण गुण जावल्य नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास ये सेट, इसको क्या प्रूव करना है, वाम गुण जावली। तो जो रिंग लेंगे वो रिंग होगी हमारे पास, रिंग मान लिया आर बराबर होगा 2×2 कोटि के मैट्रिसेस का समुच्चय लेना स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये मान लिया हमने आर, अल्फा बीटा गामा और जड जो है वो कहाँ से बिलोंग कर, अल्फा बीटा गामा और डेल कहाँ से बिलोंग करेंगे स्टूडेंट्स, जड से। तो ये हो गया 2×2 कोटि के मैट्रिसेस के समुच्चय की एक रिंग, ये तो हो गया हमारा वल्ले, और इस सेट को इसकी एक गुणजावली प्रूव करना है, वाम गुणजावली प्रूव करना है, दक्षिण गुणजावली करना नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स हमने किए हैं स्टूडेंट्स, जब हमने रिंग स्टार्ट किया था वहाँ पे ही किए हैं, एग्जांपल्स हैं सेम इसी रूप के, तो आप कर सकते हो, इजी है। छः नंबर में अब की बार सेट दे रखा है, छः नंबर में हमें स्टूडेंट्स, छः नंबर में जो सेट है वो है एस बराबर सेट है स्टूडेंट्स ए ज़ीरो ज़ीरो बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, सिद्ध करना है ये सेट है 2×2 कोटि की सभी मैट्रिसेस की वल्य की एक उपवल्य है, दर्शाइए कि ये क्या है, ये 2×2 कोटि का जो मैट्रिक्स उसका सबसेट तो है स्टूडेंट्स, ये उपवल्य तो है, सबरिंग तो है ही, आइडियल प्रूव करना है, दर्शाइए कि एस न तो वाम गुणजावली और न ही दक्षिण है, दिखाना है स्टूडेंट्स, न तो वाम है न दक्षिण है। तो क्या करेंगे, ना तो लेफ्ट आइडियल आना चाहिए ना राइट आइडियल आना चाहिए, पहली कंडीशन हो जाएगी तो सेकंड कंडीशन शो नहीं होगी। ये सेट दे रखा है 2×2 कोटि के मैट्रिसेस की जो रिंग मानेंगे वो यही मान लेंगे, इसको दिखाना है कि ना तो क्या स्टूडेंट लेफ्ट आइडियल है और ना ही क्या है राइट आइडियल है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो स्टूडेंट्स वो हमने कहाँ पे किए हैं, ये हमने जब हमने स्टार्ट किया था अपना आइडियल वाला चैप्टर वहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पाँच नंबर और छः नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर फोर है वो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, सात नंबर आठ नंबर नौ नंबर और दस नंबर और पाँच नंबर चार नंबर जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपने इलेवंथ लेक्चर में रिंग थ्योरी के, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसमें क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकेंड किया है, थर्ड किया है, तीन आपको करने हैं, तीनों मैंने करवाए हैं, और आगे वाला जो चार नंबर क्वेश्चन है, चार चार रहता है, पाँच और छः आपको करने हैं, चार सात आठ नौ दस पाँच क्वेश्चन और रहते हैं, पाँच क्वेश्चन जो हम अपने इलेवंथ लेक्चर में करेंगे, और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका अपना नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन रिंग, वो वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।